गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अवर टॉपिक इज रोल ऑफ फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स मीन्स वो लोग होते हैं जो हमारे समाज के ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी टॉपिक पर अपने व्यूज देते हैं, तो वो आते हैं फिलोसोफर्स में, यानी कि दर्शन शास्त्री जो होते हैं। अब उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका जो इफेक्ट पड़ा, जो सेक्शन थर्ड स्टेट पर पड़ा, वो कैसे पड़ा, उन फिलोसोफर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि जॉन लॉक्स, इसमें आपको बुक्स के नेम भी याद करने हैं। जॉन लॉक्स ने जो बुक लिखी वो थी टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने इसमें क्या लिखा, उसमें ये था कि जो राजा है, राजा में ही सारे डिवीजन की और एब्सोल्यूट राइट्स की सारी पावर्स उनके पास होती थी। तो उन पावर्स को राजा, क्योंकि उनका दुरुपयोग भी कर सकता था, तो उनका मानना ये था कि राजा के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए ताकि वो उनका जो उनकी प्रजा होती थी उनके लिए ठीक तरीके से वर्क कर सकें, ठीक है। एंड सेकेंड इज जॉन जैकस रोशो ने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। तो उसमें क्या लिखा कि इक्वल वोटिंग, आप सभी जानते हो सभी जगह के अपने अपने सभी कंट्रीज के इक्वल वोटिंग का अलग अलग तरीका होता है ना, तो इक्वल वोटिंग होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि सभी लोग उस गवर्नमेंट को चलाने में अपना पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसा उन फिलोसोफर्स का मानना था। एंड थर्ड इज मॉन्टेस्क्यू द स्प्रिट ऑफ द लॉज। उसने वो किससे स्प्रिट था, उसने अपने उसके बुक का नाम था द स्प्रिट ऑफ लॉज, और वो लॉज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। तो वो चाहता था कि जितनी भी सारी पावर्स होती हैं उसका डिवीज़न किया जाए, डिवीज़न ऑफ पावर्स किया जाए, जैसे कि एट प्रेजेंट हमें देखने को भी मिलता है ना, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। अब आप मैं इसमें बता दे रही हूँ, लेजिस्लेचर होता है यानी कि कानून को बनाना, और एजुकेटिव यानी कि कानून को लागू करना, और जुडिशरी यानी कि जैसे आपका कोर्ट वगैरह होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है या कोई गलत काम किया है, अपराध किया है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी आपका जुडिशरी में होता है, यानी कि न्याय दिलाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके जो फिलोसोफर थे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। तो अब जब ये व्यूज़ दिए तो क्या होता था, जो थर्ड स्टेट था वो जब आपस में बैठते थे अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे मान लीजिए सपोज कि कोई घूमने गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो भी वहाँ पे बैठ गए, तो वहाँ पे किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कशन चलता है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी डिस्कशन चलता था। तो जब वो उन प्लेसेस पर डिस्कशन चलता था तो उसका स्प्रेड हो गया, स्प्रेड मतलब वो चारों तरफ वो जो डिस्कशन था वो धीरे धीरे फैलने लगा। तब जो लुईस 16 था उसने क्या किया, लुईस 16 ने सोचा कि अब मैं जो टैक्सेस हैं वो उसमें इंक्रीज करूँगा, किसमें करूँगा, थर्ड स्टेट में। लेकिन अब थर्ड स्टेट के लोग भी क्या हो गए थे, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तक के लेवल पर आ गए थे, उनमें भी सोचने समझने की इतनी क्षमता आ गई थी कि जो कि उनके कंपैरिजन में अब हमें क्यों नीचे करा जा रहा है, तो यानी कि उनमें आवाज़ उठाने की भी भावना आ गई थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली चीज़ें पढ़ेंगे।